आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो या आपको बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत पड़ जाती है आउट ऑफ कंट्री में भी, तो बेस्ट वे जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मुझे भी क्या होता था कि गूगल पे करना है या कहीं पर भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी थी तो बहुत सारे मसले आते थे कि वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, इस तरह से ना रूल एंड रेगुलेशन उनके लगते थे। तो एक ऐसा पाकिस्तान में बैंक है या इस तरह का कार्ड आप समझ लो कि है, जिससे आप हर जगह पे बहुत ही आसानी के साथ आप पेमेंट को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो या ऑनलाइन भी आप कहीं पर भी पे कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप लोग देख रहे हो दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऐप है जिसका नाम है नया पे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि लॉन्च हुए तो तकरीबन साल हो चुका है, लेकिन बहुत सारे यूज़र को इसके बारे में नहीं पता। तो ये वीडियो उनके लिए है कि अगर आप लोग अपने बटुए में पैसे नहीं रखना चाह रहे या अपने पास पैसा नहीं रखना चाह रहे, आप अपना जो है ये वाला जो अकाउंट बना सकते हो। इसमें सब कुछ जो है फ्री है, आप इसमें जो है अप्लाई फ्री में कर सकते हो, इसका ATM कार्ड फ्री में मंगवा सकते हो, एक्टिवेशन फ्री में करवा सकते हो, इसमें सब कुछ ही फ्री में है। तो आप लोगों ने सिंपल इतना करना है कि इस ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करोगे। मैं इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करते ही आपके पास इस तरह से कुछ आएगा, आपके पास क्या आएगा, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का जो है बटन आएगा, ये आपकी सिम के ऊपर बनता है। जो आपका नंबर है कोई भी नंबर हो आप उस पर बना सकते हो, मैंने यहाँ पे जैस के नंबर पर बनाया हुआ है। तो आप लोगों को रजिस्टर करने का बोलेगा, जैसे नॉर्मली बाकी चीज़ें लेते हैं रजिस्टर करने के लिए, नाम, ID कार्ड, इस तरह की जो भी चीज़ें मांगेंगे आपने इंटर कर देनी है, और आपको एक दो दिन के अंदर कॉल आएगी आपके नंबर पे, उसी नंबर पे, और आपको जो ATM जो है घर में रिसीव कर दिया जाएगा। इतना आसान है, इससे ज्यादा आसान तो कोई भी बैंक आपको अकाउंट नहीं बना के देगा। इस अकाउंट को आप जैज कैश या इजी पैसे की जगह यूज कर सकते हो। तो इसमें अब फायदा क्या है कि एक तो सबसे बड़ा फायदा जो है इसकी ट्रांजेक्शन जो है बहुत ही ईजिली हो जाती है। इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे बिल पे करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप इंटरनेट का बिल हो गया या आपने पैसे सेंड करने हैं, कुछ भी करना है, इसमें जो बाकी नॉर्मल जितने भी बैंक है जितनी सहूलियात में मिलती हैं वो सारी की सारी इसमें भी हैं। तो इसमें आप नीचे बटन देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हो, यहाँ पे चैट का बटन है। यहाँ पे एक ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों के पास जितने भी अकाउंट सेव हैं, अगर उनमें से भी किसी ने ये अकाउंट बनाया तो यहाँ पे आपको चैट के अंदर आ जाएगा। इधर से ही आप क्या कर सकते हो कि इनको पैसे सेंड कर सकते हो और इधर ही आपकी हिस्ट्री बनती जाती है। तो इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप अपना जो है, अगर आपने पहले उसको पैसे सेंड किए हुए हैं तो आप उसको दोबारा सेंड कर सकते हो, वरना आपको अकाउंट की पूरी डिटेल डालनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कार्ड का है कि कार्ड में क्या है कि यहाँ पे आप इसको कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो या फ्रीज कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप कार्ड इसका मंगवाते हो तो कार्ड आपको फ्री में घर में देके जाते हैं। मुझे ये कार्ड फ्री में मिला, इसकी वीडियो मैंने जो पार्सल सीव हुआ था वीडियो बनाई थी, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इसमें देखो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट ऑन ऑफ कर सकते हो, कभी अगर आपका कार्ड वगैरह घूमता है या इस तरह से कुछ भी होता है तो आप इन चीजों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और एक और इसमें ये चीज आपको बताते जाऊँ, अगर आप लोग जो है ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल्ड होती है, उन्होंने बताया कि अगर आपकी 5 ट्रांजेक्शन फेल्ड होती है तो उसकी आपको फीस दे के इसको रीसेट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरी एक फेल्ड हो चुकी है। फेल्ड का क्या मतलब है कि अगर आपके पास बैलेंस कम भी है ना, तो आपने कहीं पे पैसे सेंड किए लेकिन वहाँ पे पैसे नहीं गए, बैलेंस कम होने की वजह से नहीं गए, तो भी आपकी वो फेल ट्रांजेक्शन में ही काउंट की जाती है। तो इस तरह से आपको एक यहाँ पे बस ये इसका ड्रॉबैक है जो कि आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें अगर और चीज़ें देखें, यहाँ पे सारी आपके पास हिस्ट्री आ जाती है। तो अगर मेरा फीडबैक लेना चाहो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बाकी जितने भी अकाउंट यूज़ कर रहे हो, बैंक का हो गया या जैज कैश इजी पैसा हो गया, उसकी जगह अगर आप ये यूज़ करो तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।